हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 2 और उसका लेक्चर नंबर 1। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है ये, जिसमें हम लोग आज समझेंगे प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। अब मैं बता चुका हूँ, कम्युनिटी फार्मासिस्ट मतलब मेडिकल स्टोर पे जो फार्मासिस्ट होते हैं उनका प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोफेशनल जिम्मेदारी क्या है। ठीक है, तो आओ देखें जरा। तो हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड कर ले रहे हैं, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट, जिसमें हम रोल देखेंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे। दोनों लगभग एक ही जैसे मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा चेंज है उसके अंदर। ठीक है, तो आप फटाफट देखें इसको हम लोग। तो बेसिक है, अब तुम लोग देखो, मैंने बता चुका हूं कम्युनिटी फार्मेसी मेडिकल स्टोर और कम्युनिटी फार्मासिस्ट उसमें बैठने वाला फार्मासिस्ट। तो आंख बंद करके भी इसके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोग लिख सकते हो, एक बार देख लोगे, उसके बाद तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली। ठीक है, तो देखो क्या है रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट को अगर हम बात करें तो चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सेंट्रल फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो इसकी कोर मेन कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी इसकी, पेशेंट केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डायरेक्ट पेशेंट केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी और जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है, तो रोल में अगर हम बात करें इसकी, तो जनरल फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें टू इंश्योर डैट ये सुनिश्चित करें, क्या सुनिश्चित करना है इसको, सुनिश्चित करें कि इस्टेब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर फॉलोड। ठीक है, कि जो पॉलिसीज और प्रोसीजर है वो एग्जैक्टली फॉलो किए जा रहे हों। चेकअप फॉर एक्यूरेसी ऑफ डोजेस प्रिपेयर्ड, जो डोज प्रिपेयर किए गए हैं उसकी एक्यूरेसी को चेक करना। यूनिट डोज फॉर्मुलेशन, जो डोज को फॉर्मुलेशन करना यूनिट डोज को। इंट्रावीनस मिक्सचर को देखना। प्रोवाइड फॉर प्रॉपर ड्रग कंट्रोल, ठीक है ना, जो ड्रग कंट्रोल है उसको प्रॉपरली एक तरह से कह सकते हैं वो चेक करना। इंश्योर डैट ड्रग्स आर स्टोर्ड एंड डिस्पेंस प्रॉपरली, ठीक है ना, ये सुनिश्चित करना है कि ड्रग्स जो है प्रॉपरली रखे गए हैं, डिस्पेंस किए गए हैं, स्टोर किए गए हैं, है ना, इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स जो होते हैं खास करके। इंश्योर करें डैट ऑल स्टेट फेडरल ड्रग लॉज आर फॉलोड, जितने भी ड्रग को लेकर के लॉ बने हुए हैं स्टेट के वो सारे फॉलो किए जा रहे हों। तो ये देखो रोल में बात चल रही है इसकी अभी। टू इंश्योर डैट गुड टेक्निक्स आर यूज इन कंपाउंडिंग इंट्रावीनस, जो आईवी ड्रग्स हैं उनके लिए एक अच्छी टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, एंड एक्सटेम्पेरियस प्रिपरेशन, ठीक है। प्रोवाइड फॉर प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग एंड बिलिंग, काम उनका क्या होता है, प्रोवाइड करे प्रॉपर रिकॉर्ड और कीपिंग एंड बिलिंग, रिकॉर्ड को रखना और बिल को मेंटेन करना। पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड, पेशेंट के मेडिकेशन रिकॉर्ड को रखना, ठीक है। एक्सटेम्पीरियस कंपाउंड रिकॉर्ड, जो एक्सटेम्पीरियस कंपाउंड होते हैं, कौन से, जो एक्सटेम्पीरियस कंपाउंड होते हैं। देन हमारे पास आता है इंट्रावीनस मिक्सचर्स के जो रिकॉर्ड्स हैं उनकी जो बिलिंग है, ठीक है, उसको रिकॉर्ड मेंटेन करना। इन्वेस्टिगेशनल ड्रग रिकॉर्ड्स, जो ड्रग इन्वेस्टिगेशन तौर पर चल रही हैं, ठीक है, जिनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना। रिपोर्ट करना मंथली लोटेड रिकॉर्ड, है ना, पूरा महीने में कौन कौन सी दवाइयां आई गई, किन की खपत हुई, सारी चीजों को मेंटेन करना एक तरह से। जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट की बात करें, डिस्पेंसिंग एंड कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग्स सबको पता है, पेशेंट काउंसलिंग है, ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेज टू फिजिशियन, है ना, जो डॉक्टर्स हैं उनको लेकर के जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना। हेल्थ केयर प्रमोशन एंड हेल्थ सर्विस, हेल्थ को लेकर के बात करना लोगों से। रिस्पॉन्ड टू द सिम्टम्स एंड माइनर एलिमेंट्स, जो छोटे मोटे सिम्टम्स हैं या माइनर एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ना होकर के माइनर एलिमेंट्स होना चाहिए था, माइनर एलिमेंट्स, है ना, जो छोटी मोटी बीमारियां हैं उसको लेकर के रिस्पॉन्ड करना, लोगों को बता देना। कंसल्टेशन टू प्रेग्नेंट वुमेन, चिल्ड्रेन, जेडियाट्रिक पेशेंट रिगार्डिंग टू हेल्थ केयर, है ना, जो बूढ़े बाड़े लोग हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, जो बच्चे हैं, उनको लेकर के एक तरह से समझ लो कि काउंसलिंग देना, ठीक है ना, ये जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। आगे आए, ये कहने के उसके रोल आते हैं, और रोल देखें उसके अगर हम लोग तो क्या है, इफेक्टिव एंड इन इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रग, ठीक है, साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग के बारे में बताना, टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग को देखना, एलर्जिक ड्रग रिएक्शंस को देखना, जांचना, ड्रग इंटरेक्शन को समझना। एप्रोप्रिएट द थेरेप्यूटिक आउटकम, जो थेरेप्यूटिक आउटकम है उसको क्या करना, एप्रोप्रिएट करना, ठीक है। अब ये सब बातें एप्रोप्रिएट करने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो कोई दवाइयां दी गई हैं, ठीक है, उनमें से बेस्ट जो रहेगा थेरेप्यूटिक आउटकम कैसे मिलेगा उसके बारे में उसको सोचना समझना और बताना, ठीक है। पेशेंट काउंसलिंग एरिया, उसमें पूरा पेशेंट को लेकर रहेगा। मेडिकेशन टू बी सेल्फ एडमिनिस्टर्ड इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में जो दवाइयां दी जाती हैं, डिस्चार्ज मेडिकेशन, जब डिस्चार्ज हो रहा है उस समय कैसे कैसे दवाइयां खानी है पेशेंट को। प्रोवाइड एजुकेशन टू फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट को एजुकेट करना, क्लर्क को, स्टूडेंट को, रेजिडेंट्स को एंड अदर नर्सिंग स्टाफ को एजुकेट करना। समटाइम्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू फिजिशियन एंड मेडिकल स्टूडेंट्स, कई बार फिजिशियंस को यानी डॉक्टर्स को और मेडिकल स्टूडेंट्स को भी क्या करता है,
इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है किसके बारे में, दवाइयों के बारे में, न्यू ड्रग इंफॉर्मेशन, कोई नई ड्रग आ रही है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो देखो ये तो है रोल, कहीं ना कहीं मिला जुला आप कह सकते हो कि सारी चीजें वही हैं जो हमने अब तक पढ़ते आए हैं, ठीक है, सिर्फ लिखने का तरीका और बोलने का तरीका अलग है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट, ठीक है, इसको समझ लें जरा, वो चीजें रोल में अगर डाल दें हम लोग तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग समझ सकते हैं, या कुछ नहीं करना उनको हटा देना है, केवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ही सारी याद कर लेना, रोल बोले या रिस्पॉन्सिबिलिटी बोले दोनों में एक चीज लिख के आ जानी है। क्या बोल रहा है देखें, इन ऑल ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम लाइक काउंसलिंग ऑन प्रॉपर यूज ऑफ ओटीसी, ठीक है ना, हर एक टाइप की ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम को क्या करेगा वो समझाना उसका काम बनता है, जैसे कि यूज ऑफ ओटीसी एंड प्रिस्क्राइब मेडिसिन, जो ओवर द काउंटर ड्रग है या जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब होकर के आई है उनके बारे में बताना, रिकॉर्डिंग ऑफ ड्रग, ड्रग को रिकॉर्ड करके रखना, एंड मेडिकल प्रॉब्लम हिस्ट्रीज, लोगों की पेशेंट की कौन से ड्रग दिए जा रहे हैं उनकी मेडिकल हिस्ट्री उनको रिकॉर्ड करके रखना, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स, जो कब कब टीके लगने हैं ना, मान लो बच्चा हुआ है और कोई गया है फार्मासिस्ट के पास तो बताएगा कि हाँ ऐसे ऐसे टीके लगने चाहिए इसको, तो ये पेशेंट केयर, तुम लोग कहोगे सर ऐसा हमारे यहाँ कहाँ होता है, तो बस यही तो दिक्कत है, इंडिया में ऐसा कम हो रहा है और उसी वजह से प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, ठीक है। रेफर टू पेशेंट टू ए स्पेसिफिक हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ठीक है, यही सब तमाम चीजें हैं, वही सारी चीजें घूम फिर के आएंगे। देखो अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट में इन्वॉल्व एक्टिवली इनटू द एरिया ऑफ फार्माको एपिडेमियोलॉजी, है ना, वो फार्माको एपिडेमियोलॉजी में मतलब जो बीमारियां वगैरह हैं कम्युनिटी में लेकर के उनको लेकर के काफी ज्यादा एक्टिव रह सकता है। फार्माको एपिडेमियोलॉजी इज द पोस्ट मार्केटिंग फेज ऑफ, अच्छा फार्माको एपिडेमियोलॉजी है, ठीक है, फार्माको एपिडेमियोलॉजी इज द पोस्ट मार्केटिंग फेज ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ ए ड्रग, ठीक है ना, मतलब वही मैंने बताया कि बीमारी ऐसे कि जो नए ड्रग आते हैं उनको लेकर के, जो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उनको लेकर के वो क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। विच कंसर्न विद द सेफ्टी और रिस्क असेसमेंट फॉर रिस्क असेसमेंट ऑफ अ न्यू ड्रग आफ्टर कमिंग इन द मार्केट, ये हम लोग पहले जान चुके हैं, इसमें क्या होता है कि जो नया ड्रग मार्केट में आ गया है उससे लेके कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है लोगों में, फिर क्या कर सकता है ये कम्युनिटी फार्मासिस्ट में इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ सीरियस कम्युनिकेबल डिजीज, कुछ डिजीज बीमारियां ऐसी होती हैं जो बहुत तेजी से फैलती हैं, ठीक है, जैसे जल्दी में क्या था कोरोना था, तो उसको लेकर के वो एक्टिव रह सकता है, लोगों को समझा सकता है, बाय मेकिंग कम्युनिटी अवेयर थ्रू काउंसलिंग, लोगों को काउंसलिंग कर सकता है जो लोग उसके पास आते हैं कि भाई ऐसा मत करो ऐसा मत करो ये फैल रहा है बहुत ज्यादा। बाय दिस मेथड अ लॉट ऑफ डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, सिफिलिस, गोनोरिया, हर्पीस जेनिटालिस, एड्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी कंट्रोल, इन सब चीजों के बारे में नॉलेज देता रहेगा तो काफी सारी चीजें क्या है कंट्रोल में रहेंगी। अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट कैन इनकरेज हिज आर पेशेंट टू प्रिवेंट देमसेल्फ फ्रॉम वेरियस क्रोनिक डिजीज बाय यूजिंग वेरियस प्रूवन टेक्निक ऑफ प्रिवेंशन लाइक रिस्क ऑफ स्ट्रोक्स। अब वो क्या कर सकता है, जो उसके पेशेंट हैं, ठीक है, उनको इनकरेज कर सकता है, क्या इनकरेज कर सकता है कि कुछ क्रोनिक डिजीज होती हैं, किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी को किडनी बीमारी है, तो वो कुछ प्रूवन टेक्निक्स, कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनको बता सकता है कि ऐसा करोगे तो आपको फायदा रहेगा, ठीक है, जैसे बता रहा है रिस्क ऑफ स्ट्रोक ऑफ हार्ट, हार्ट अटैक कैन बी रिड्यूस बाय कंट्रोल ऑफ द हाई ब्लड प्रेशर, वो कहेगा कि अगर आप बीपी को कम रखें अगर तो आपको दिल का दौरा नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, ये सब बेसिक सी बातें उनको समझा सकता है। फॉर रेगुलेट इनटेक ऑफ प्रिस्क्राइब मेडिसिन, आप दवाइयों को लगातार खाते रहिए, क्विटिंग स्मोकिंग, स्मोक छोड़ दीजिए, कंट्रोलिंग हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी को कंट्रोल करना है, लोअर करना है कोलेस्ट्रॉल इनटेक, यानी कि चिकनी चीजें नहीं खाओगे आप, एंड इंक्रीज इन फिजिकल एक्सरसाइज। तुम लोग कहोगे सर ये सब बातें डॉक्टर बता देता है, डॉक्टर बता देता है, बट ये सब आमतौर पर जब पहली बार दिक्कतें आती हैं आदमी को वो एकदम थोड़ा जाता है डॉक्टर के पास, पहले कहाँ जाता है कम्युनिटी फार्मेसी यानी कि मेडिकल स्टोर में जाता है, बताएगा ऐसी ऐसी दिक्कत है तो वहां पर वो इनको समझा सकते हैं। अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट में ऑल्सो इन्वॉल्व इन पेशेंट हेल्थ एजुकेशन, पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन दे सकता है थ्रू द यूज ऑफ पैम्पलेट्स एंड बुलेटिन फ्रीली अवेलेबल ऑन द डिस्प्ले रैक, है ना, वहाँ पे डिस्प्ले रैक रख सकता है कौन कौन सी नई नई बीमारियां हैं कैसे कैसे बच सकते हैं उनको वहाँ पे रख के पेशेंट उनको पढ़ेगा और समझेगा। अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट में प्रोवाइड काउंसलिंग टू प्रेगनेंट लेडी, प्रेगनेंट लेडी को काउंसिल कर सकता है कि आपको क्या खाना है कैसे रहना है क्या नहीं करना है, मटेरियल एंड चाइल्ड हेल्थ बच्चों को कैसा ख्याल रखा जाएगा, हाइजीन, प्रेगनेंसी में कई बार क्या होता है लोग सही से नहीं रहते हैं तो इन्फेक्शन वगैरह फैल जाते हैं तो हाइजीन का खास मेंटेन रखना पड़ता है, मैनेजमेंट ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को कैसे मैनेज किया जाए, मटेरियल डाइट, कौन सी डाइट खानी है, एंड अदर डिजीज और सब न्यूट्रिशनल स्टेट, क्या क्या डिजीज हो सकती हैं और क्या चीज नहीं खाओगे तो न्यूट्रिशनल की कमी हो जाएगी। अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट कैन ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल बाय गाइडिंग द पेरेंट्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट द डिजीज, अगेंस्ट डिजीज ऑफ चाइल्डहुड बाय प्रॉपर इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, है ना, वो बच्चों को पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं कि आप बच्चों को ये सब चीजें इम्यूनाइज करा लीजिए वरना बच्चों को ये सब डिजीज हो सकती हैं।
अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट मे गाइड पेशेंट अबाउट न्यूट्रिशन इनटेक। माँ बाप को गाइड कर सकता है कि आपको बच्चे को खाने में क्या क्या देना है, जिससे कि बच्चे के अंदर किसी भी टाइप का न्यूट्रिशन कमी ना हो और किसी भी टाइप का डिजीज कंडीशन ना आ जाए। ठीक है, अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट कैन मेक कम्युनिटी अवेयर अबाउट एनवायरमेंटल हेल्थ लाइक फूड बॉर्न डिजीज। बता सकता है कि खाने में ऐसी बीमारियां होती, खुला खाना नहीं खाना है, लोकल हजार्ड्स, कार्सिनोजेंस। तो तुम लोग कहो, अभी तुम लोग कुछ बच्चे कह रहे हो सर क्या है ये, जनरल चीजें हैं। अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट में प्रोवाइड काउंसलिंग टू द पर्सन इन्वॉल्व इन अल्कोहलिज्म। कोई दारू पी रहा है तो उसको काउंसिल कर सकता है, भाई मत पियो, ऐसे ये सब चीजें नुकसान करती हैं। ड्रग अब्यूज, नशा कर रहा है तो उसे समझा सकता है साइड इफेक्ट और ड्रॉबैक्स ऑफ दोस इविल, जो उनसे बुराइयां होने वाली हैं शरीर के ऊपर। एंड मे रेफर दिस पेशेंट फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट टू एन अप्रोप्रिएट हेल्थ प्रोफेशनल। और वो रेफर कर सकता है कि आप इसके पास जाइए, ये आपका अच्छे से इलाज कर देंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो टॉपिक है एक जनरल टॉपिक है, इसके कायदे में जरूरत ही नहीं है। स्टार्टिंग में समझ गए होगे एक फार्मासिस्ट का काम क्या क्या होता है, एक बार बस नजर डाल लो। ठीक है कि अच्छा ये सारे 8-10 पॉइंट है बस, उसके बाद जब एग्जाम में आएगा तो लिख करके चले आना है। क्लियर है? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा प्रोफेशनल रोल ऑफ फार्मासिस्ट, 7-8 पॉइंट, जैसे इसमें 9 पॉइंट है तो मिला करके अपना और इजी लैंग्वेज बना लेना कुछ 6-7-8 पॉइंट। ठीक है, तो आसान था यार टॉपिक, है ना यार, ये चैप्टर भी आसान है, इसके बाद भी अगला चैप्टर आएगा वो भी छोटा, टॉपिक आएगा वो भी छोटा सा है। तो क्या करना है, रिवाइज करते रहें और पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।